Welcome to Inside Tax. Here we learn about the power transmission elements and control system. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन की जरूरत क्यों पड़ी. तो आइए जानते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी. जैसे हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में मेनली तीन पार्ट है, एक जनरेशन है, एक ट्रांसमिशन है और लोड. तो जनरेशन को लोड तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. तो फिर सवाल ये उठता है कि हम जहां पे लोड है वहीं पे जनरेट क्यों नहीं करते. अभी इस चीज़ के लिए कुछ दिक्कतें आती है. जैसे कि जहाँ पे लोड है वहाँ पे हमको जनरेट करने के लिए एरिया शायद ना मिल पाए. दूसरा है कि जनरेशन के लिए जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पे पहुँचाने में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें हो सकती है, या फिर वो मटेरियल महंगा पड़ सकता है हमारे लिए. तीसरा है कि कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है कि जिसकी वजह से हम रेसिडेंटल एरिया में वो जनरेशन नहीं कर पाएंगे. और चौथा है कि अगर रेसिडेंशियल एरिया में जनरेशन होता है तो वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन की वजह से ये दिक्कत आ सकती है. इसलिए हम जहाँ पे लोड है वहाँ जनरेट नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमको जनरेशन से लोड तक पहुंचने के लिए एक ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है जो पावर ट्रांसमिट करे. अभी दूसरा सवाल ये भी आ सकता है कि हमारा जो जनरेशन वोल्टेज है वो 11 kV या 6.6 kV होता है, और हमारा जो लोड है तो लोड में भी बहुत टाइम 11 kV लोड रहता है, या 440 और 230 वोल्ट जो रेसिडेंशियल के लिए रहता है. तो ट्रांसमिशन हम लोग जो जनरेटिंग वोल्टेज है उसी पे हम क्यों नहीं करते. क्या हम जनरेटिंग वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कर पाएंगे कि नहीं, तो ये हमारा एक सवाल है. अगर हम इसका जवाब दें तो ये नहीं कर सकते. तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एक पावर होता है जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है ब्लू सर्कल में, वो क्वांटम ऑफ पावर है. तो उसको ट्रांसफर करने के लिए वोल्टेज एंड करंट दोनों की रिक्वायरमेंट्स होती है. तो अभी आप देख सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक टाइम पे हमको वोल्टेज ज़्यादा रखे तो करंट कम रहेगा, और दूसरे में है कि हम वोल्टेज कम रखे और करंट ज़्यादा रखे तो हो सकता है. ये दो चीज़ है कि हम ट्रांसमिट पावर सेम अमाउंट में कर पाएंगे. अभी देखिए कि करंट हम इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होने से I2R लॉसेस बढ़ता है. इसलिए हम लोग करंट इंक्रीज करेंगे तो पावर लॉस होगा. दूसरी चीज़ ये है कि जो जब हमें लो करंट पास करेंगे तो कंडक्टर की साइज जो रहेगी वो छोटी रहेगी, और अगर हम ज़्यादा करंट पास करेंगे तो कंडक्टर की साइज बड़ी रखनी पड़ेगी. तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा रखना पड़ेगा. तो इसलिए हम लो वोल्टेज पे करंट को पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे. तो जैसे हमने देखा कि पावर ट्रांसमिशन की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी. तो पावर ट्रांसमिशन कौन कौन से वोल्टेज पे होता है वो हम देखते हैं. ट्रांसमिशन का जो पावर का ट्रांसमिशन रहता है वो 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV
765 केवी और 1200 केवी जो अभी नया नया इंडिया में शुरू हुआ है। तो इतने वोल्टेज लेवल पे हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अभी जब हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें सिर्फ चेंज यही होता है कि हर बार जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे वैसे टावर का टाइप डिज़ाइन वो बढ़ेगा और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ेगा, इसके लिए हिसाब से टावर का हाइट बढ़ेगा। तो फाइनली हम इस चीज़ पे आ गए हैं कि हमें वोल्टेज इंक्रीज करके ही पावर को सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी पावर सिस्टम के लिए फायदा कारक है। अभी आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। कि हम देख सकते हैं कि जनरेशन एंड पे एक सबस्टेशन रहेगा, लोड एंड पे एक सबस्टेशन रहेगा और बीच में पावर ट्रांसमिशन लाइंस रहेगी। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रहती है और उसके अंदर क्या क्या होता है। तो काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो।